प्रतिष्ठित अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम अपनी एक हेडलाइन को लेकर चर्चा में है। टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी को लेकर अपने कवर पेज पर एक हेडलाइन दी है और माना जा रहा है कि इस पर काफी विवाद हो सकता है। मैगजीन ने कवर पेज पर पीएम मोदी की फोटो के साथ इंडियाज डिवाइडर एंड चीफ यानी कि भारत को तोड़ने वाला प्रमुख लिखा है। इसके अलावा टाइम की वेबसाइट पर एक आर्टिकल को पब्लिश भी किया गया है जिसमें पीएम मोदी पर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के आरोप लगाए गए हैं। इस हेडलाइन को देने वाले पत्रकार का नाम आतिश तसीर है। उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह की हेडलाइन देते हुए लिखा है, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मोदी सरकार के 5 साल और झेलने होंगे। टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छपे आर्टिकल में पीएम मोदी की जवाहरलाल नेहरू से तुलना की गई है। इसमें लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने देश में सभी को बराबरी का हक देते हुए कहा कि यहाँ हर धर्म के लोगों के लिए जगह होगी। नेहरू सेकुलर विचारधारा के थे लेकिन पीएम मोदी ने इन 5 सालों में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश की है। टाइम ने फिलहाल अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। इसके बाद 20 मई को जारी होने वाली टाइम मैगजीन के अंक में ये कवर स्टोरी के तौर पर ली जाएगी। फिलहाल टाइम ने इसकी कवर फोटो वेबसाइट पर जारी की है। टाइम मैगजीन के इस आर्टिकल में पीएम मोदी पर देश के फाउंडिंग फादर्स और बड़े पदों पर रहने वाले लोगों पर भी हमला बोलने का आरोप लगाया गया है। इसमें लिखा है कि मोदी की जीत के बाद एक शक पैदा हुआ जब उन्होंने कई सम्मानित लोगों पर हमला बोलना शुरू किया। उन्होंने नेहरूवाद और समाजवादी विचारधारा पर हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की भी बात की। आर्टिकल में गुजरात दंगों का भी जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है, मोदी ने हर क्रूरता भरे दंगे के बाद चुप्पी साधी रखी। जैसा साल 2002 में उनके होम स्टेट गुजरात में एक साथ लगभग 1000 लोगों को मार दिया गया जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, इस सब से उन्होंने यही साबित किया है कि वो भीड़ तंत्र को बढ़ावा देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी माहौल में टाइम जैसी बड़ी मैगजीन का ये आर्टिकल सियासी तूफान खड़ा कर सकता है। फिलहाल इसे लेकर बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। पॉलिटिकल डेस्क, राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस पर आपको मिलती हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।